स्पीकर सर मैं आपकी नोटिस में 2 फरवरी 1948 को उस चेयर पर जो स्पीकर बैठे थे महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में एक दिन पूरा बहस हुआ मैं सिर्फ आप इजाजत दिए कि स्पीकर ने क्या कहा था सर स्पीकर ने कहा था इट सीम्स वी हैव येट टू रियलाइज दैट पॉलिटिकल वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड देयरफॉर डेमोक्रेसी वी कैनॉट कंडेम दिस आइडिया ऑफ वायलेंस फॉर पॉलिटिकल एंड्स इन टू स्ट्रांग टर्म्स मियर कंडेमनेशन ऑफ द मिसगाइडेड एंड मैड परपेट्रेटर ऑफ द ट्रेजेडी इज नॉट इनफ ये स्पीकर ने कहा था तो मेरी मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था आप बोलिए गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर अरे सुनो देखिए सर क्या हो रहा है सर क्या हो रहा है सर ये क्या हो रहा है जैक इन द बॉक्स का बिहेवियर सर जैक इन द बॉक्स करो कि एक मिनट सर मैं खत्म कर रहा हूं खत्म हो गया एक आधा मिनट सर खत्म कर मैं खत्म कर रहा हूं सर आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर आपने कहा कि इस रिकॉर्ड पर नहीं है मेरी आपसे गुजारिश है ये एग्रेवियस ब्रीच है इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेंबर द मेंबर शुड कैटेगोरिकली से दैट नाथूराम गोडसे इज नॉट अ देशभक्त इज अ टेररिस्ट एंड अ मर्डर ऑफ गांधी